गुड डे स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है भाषा विकास। भाषा यानी हम बोलचाल से हम उसका मतलब निकाल सकते हैं कि एक छोटा बच्चा अपनी बात को किस तरीके से कहता है। एक तो वो शरीर के अंगों के इशारे से हमें बात समझा सकता है या अपने भावों से समझा सकता है, आँखों से समझा सकता है, और जब इसके लिए अपने शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है तो वह कहलाता है भाषा। भाषा विकास कहते किसे हैं? भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। यानी भाषा विकास का सीधा सीधा संबंध हम बौद्धिक विकास से ले सकते हैं। यानी यदि किसी बच्चे का बौद्धिक विकास अच्छा हो रहा है तो उसका भाषा विकास भी अच्छा होगा। यदि तीव्र गति से बौद्धिक विकास की गति यदि तीव्र है तो भाषा का विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक को सर्वप्रथम भाषा ज्ञान परिवार से ही होता है। परिवार में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है बच्चा वही शब्द सीखता है। कॉल सी गैरिसन के अनुसार स्कूल जाने से पूर्व बालकों में भाषा ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी माना जाता है। यानी जब हम स्कूल में बच्चा जाता है तो उसका यदि इंटरव्यू लिया जाता है तो उसके भाषा विकास के आधार पर आराम से हम निर्णय निकाल सकते हैं कि बच्चे का बौद्धिक विकास किस स्तर का है। यानी भाषा विकास डायरेक्टली जो है वो बौद्धिक विकास से संबंधित है। भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार होता है। यह विकास परिपक्वता तथा अधिगम दोनों के फलस्वरूप होता है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, अधिगम यानी लर्निंग। जितना बच्चे में मैच्योरिटी आएगी या और जितनी उसमें उतनी ही उसकी लर्निंग बढ़ेगी। वातावरण में जो नई चीज़ें उस देखता है, सीखता है, उन्हीं के द्वारा उनसे इंटरेक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है, उसके द्वारा उसका सीखना संभव हो पाता है। और साथ ही उसके लिए अपने अंगों की मैच्योरिटी का होना भी जरूरी है और बौद्धिक विकास का होना अत्यंत जरूरी है। और इसमें नई अनुक्रियाएं सीखनी होती है। पहले की सीखी हुई अनुक्रियाओं का परिष्कार भी करना होता है। यानी एकोमोडेशन और एसिमिलेशन हमने प्याजे के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कि बच्चे के हर स्टेज में एक पूर्व का ज्ञान होता है उस, और जब वो नए ज्ञान को अर्जित करता है तो अपने पूरे पूर्व के ज्ञान को हटाकर उस नए ज्ञान को उसकी जगह पर स्थापित करता है। तो इस तरीके से जो है अनुक्रिया नए पहले की सीखी हुई अनुक्रिया होती है और दूसरा उसका परिष्कार करना भी सीखता है। भाषा विकास का एक निश्चित क्रम होता है। हम जब पहले की हमें क्लासेस में पढ़ा था कि विकास के क्या सिद्धांत होते हैं तो उसमें हमने बताया था कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी निश्चित क्रम के अनुसार कोई आगे या पीछे भी किसी तरह का विकास हो सकता है। यदि कोई बच्चा पहले रोना सीख रहा है, बलबलाना सीखना है या बोलना सीख रहा है या शब्दों का उच्चारण सीख रहा है, वो एक निश्चित क्रम में होगा। कभी ऐसे नहीं होगा कि वो पहले सेंटेंसेस बोल देगा या वाक्यों का उच्चारण करेगा उसके बाद में शब्दों का। यानी पहले ए बी सी डी ही आएंगे फिर स्पेलिंग्स आएंगी। तो भाषा विकास का जो है एक वो निश्चित क्रम होता है। तो भाषा विकास के क्रमागत बिंदुओं पर आधारित है। पहला बाल्यावस्था, दूसरा पूर्व शैशवावस्था, तीसरा मध्य अपरांत शैशवावस्था और चौथा किशोरावस्था। शैशवावस्था, ये तथ्य सर्वविदित है कि शैशवावस्था मनुष्य की सबसे सक्रिय कम अवधि है। इस अवस्था में मस्तिष्क की सतर्कता, ज्ञानेंद्रियों की तेजी, सीखने और समझने की अधिकता अपने चरम उत्कर्ष पर होती है। फ्रॉयड के अनुसार मनुष्य शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है। भाषा को क्रमानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। शैशवावस्था में मतलब इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो बच्चे का भाषा विकास है सर्वाधिक प्रभावित कब होगा? शैशवावस्था में। जितना भी ज्ञान या जितना भी विकास होता है तो मैक्सिमम विकास जो होता है या अधिकतम विकास जो होता है वो शैशवावस्था में होता है। तो भाषा का विकास भी चरम सीमा में कब होता है? जब वो शैशवावस्था में होता है। पहला भाषा में क्या होता है? रुदन। रुदन यानी रोना। रोना बच्चा पैदा होते ही यदि नया रोए तो भी एक माना जाता है कि बहुत ही समस्यात्मक प्रतिक्रिया मानी जाती है कि अभी बच्चा रोया नहीं तो उसको रुलाना चाहिए। तो रोना अपने आप में एक भाषा है कि बच्चा यदि कंफर्ट में है, आराम में है तो भी वो बताएगा। यदि उसको कोई पीड़ा हो रही है तो भी रोकर वो बता सकता है। चूँकि बोलना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया के बाद सीखा जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही बोलना सीख जाए। तो वो अपनी भाषा, उसके लिए क्या होती है? रोना उसकी एक भाषा होती है। अतएव उसका प्रारूप हमें रुदन अथवा चीखने चिल्लाने में मिलता है। रिबिल के अनुसार रुदन प्रारंभ में संकटकालीन होता है। यानी पहले जो बच्चा रोता है वो हमेशा तब रोता है जब वो अनकंफर्टेबल होता है, जब किसी संकट में होता है तो वह रोता है।
ये अनियमित तथा अनियंत्रित होता है। इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर आधे घंटे बाद बच्चा रो रहा है, या अब ना रोए ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, यानी अनियमित होता है और ये अनियंत्रित होता है। अतः रुदन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो शिशु अकारण ही करता है। बच्चा एक रोना जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बच्चा करेगा। स्टीवर्ट के अनुसार जीवन के प्रारंभिक दिनों में शिशु रुदन भिन्न मात्रा में पाया जाता है। वह दूसरे सप्ताह में प्रकट होता है, तीसरे सप्ताह में स्वास्थ्य वर्ष रुदन कम हो जाता है। यानी पहला सप्ताह जो बच्चा है वो अकारण रोएगा, दूसरे सप्ताह में थोड़ा थोड़ा कारण दिखाई देने लगता है, लेकिन तीसरे सप्ताह में ये पता चल जाता है कि बच्चा यदि किसी भूख प्यास या किसी अन्य वजह से रो रहा है तो वो दिखाई देने लग जाता है। रुदन की जो तीव्रता होती है, रोने की जो स्टाइल होती है, कितनी तेजी से रोता है तथा शिशु के विचारों तथा भावों को अभिव्यक्त करता है। रुदन की जो तीव्रता है वो शिशु के विचारों और भावों को अभिव्यक्त करती है। माँ जो होती है वो बच्चे के रोने को पहचान जाती है कि बच्चे को इसमें भूख लगी या उसने शुशु कर दिया या उसका पॉटी आ रही है, या इस तरह के जो भाव होते हैं वो माँ समझ सकती है उसके रोने की स्टाइल को पहचान कर। यह रुदन पीड़ा, तेज रोशनी, तीक्ष्ण आवाज, थकान, भूख आदि के कारण हो सकती है। तो रोने के निम्न कारण हो सकता है कि बच्चा रोता है, और इनमें हर समय रोने की एक जो स्टाइल है, एक पर्टिकुलर प्रकार है, वो अलग होता है और माँ उस आवाज़ को आराम से आइडेंटिफाई कर सकती है। दूसरा होता है बलबलाना। बलबलाना बैबलिंग। पहला उसमें क्या होता है, इरविन महोदय के अनुसार रुदन में सुस्पष्ट आवाज़ें पाई जाती है, रोने में आवाज़ें साफ सुनाई देती है। यह ध्वनि चौथे पाँचवें मास के पश्चात स्पष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। बलबलाना मतलब ब ब ब ब ब म म म म, इस तरह की जो आवाज़ करके जो रोना या बोलना होता है, इसमें जीवन के प्रथम वर्ष में स्वर ध्वनि सुनाई देती है, अ आ ई ई ए ऐ, इसके साथ ही इसी समय तक, जबकि आगे के कुछ दांत आ जाते हैं तो होठों के मेल से शिशु ब ल त द म जैसे व्यंजनों को प्रकट करता है। बलबलाना यानी एक ही शब्द का बार बार उच्चारण करना, ब ब ब ब ब ब ऐसे इस तरह से बोलना, जो कहलाता है बलबलाना। इंगित करना यानी किसी चीज़ को देखकर बताना, या अपनी अपनी गेस्चर्स को, चेहरे पर जो गेस्चर्स आ रहे हैं जैसे उनको देखकर वो बता देता है, मतलब बता देगा कि वो इस चीज़ से खुश है या ना खुश है। भाषाविदों ने इंगित करने को भाषा विकास का तृतीय सोपान का है, तीसरी सीढ़ी का है। जसिल के अनुसार उसने बताया कि शिशु दूसरे को अपने भाव विचार समझाता है, यानी वो इशारे से बता सकता है कि शरीर पूरे शरीर के उसके कि उसको वो उस मुद्रा से खुश है या नहीं है, हाँ या ना। जैसे हम छोटे बच्चे को ऊपर से नीचे की तरफ एकदम से ऐसे एक गिराने वाली मुद्रा में करते हैं तो बॉडी अपने को स्टिफ कर लेता है, यानी वो इंगित करता है कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं गिर सकता हूँ। ऐसे ही उसको यदि कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मुंह साइड में कर लेगा, उसको नहीं खाना चाहेगा, या कोई चीज़ उसको देंगे तो फेंक देगा, तो वो इंगित करता है, उसकी भाषा है कि वो उससे सहमत नहीं है। फिर आता है इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ बोलना। बोलना जब शब्दों का उच्चारण सही तरीके से करता हो, भाषा प्रयोग की अंतिम अवस्था है। इसका आरंभ 1 और 1.5 वर्ष के करीब होता है। भाषा बोलना भी एक कौशल है, अतः इसे अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसमें अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि भाषा बिना अभ्यास के नहीं सीखी जा सकती है। बच्चा पहली बार यदि जब बोलता है मम्मा, मामा, माँ, तो बच्चे को जब हम मोटिवेशन देते हैं, वाह क्या बोला, दोबारा बोलो, तो बच्चा जब उस चीज़ को दोबारा बोलने की कोशिश करेगा तो इस मोटिवेशन के से प्रोत्साहन के द्वारा उस चीज़ को और बोलेगा और अभ्यास करेगा, और उस अभ्यास की वजह से ही वो आगे के विकास संभव हो पाता है। ये शारीरिक अवयवों की पुष्टता पर निर्भर करता है। शुरू में निरर्थक शब्द बोले जाते हैं, बच्चा जो शुरू में उच्चारण करता है उन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता, जैसे वाला, मादाना, दे 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 दे, चच च च च, लेकिन थोड़े दिनों में धीरे धीरे साहचर्य के नियमों के कारण निरर्थक शब्दों में सार्थकता आ जाती है और वह उद्देश्य दिखाई देने लग जाता है, जैसे माँ 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 या रोटी को दे के, पानी के लिए के, भू, तो हम कुछ शब्दों के साथ में जैसे वो उस चीज़ को देखते ही वो आवाज़ निकालता है तो हम समझ जाते हैं कि ये इस चीज़ को ऐसा कह रहा है। शब्द बोलने में एक समस्या उच्चारण की होती है। शुरू में बालक अनुकरण से ही उच्चारण सीखता है। शैशवावस्था में उच्चारण योग्यता लचीली मानी जाती है। बच्चा जो शब्दों का उच्चारण करना सीखता है वो जो है वो अनुकरण के द्वारा या किसी दूसरे को देखकर वैसे कैसे वो बोलना सीखता है।
यदि मान लीजिए कि उस कोई गलत भाषा का प्रयोग करता है या गलत शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करता है, जैसे स और श, इनमें अंतर नहीं होगा तो वो बच्चे में भी वही चीज़ आएगी, क्योंकि वो भाषा का विकास जो है उसमें अनुसरण के द्वारा होता है। भाषा के ध्वनि की पहचान, जैसे पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि शब्दों को सीखने से पहले शिशु भाषा की ध्वनि में अंतर करना सीख जाता है, जैसे रा और ला में अंतर स्पष्ट। प्रथम शब्द 8 से 12 माह की आयु में बच्चा प्रथम शब्द बोलता है, इससे पूर्व वह बलबलाना, इंगित करना आदि अन्य भाव भंगिमाओं के द्वारा अपनी भाव अभिव्यक्ति करता है। ब्रेंको के अनुसार बोलना शिशु के संप्रेषण की विभिन्न अवस्थाओं का अगला पड़ाव है। शिशु सर्वप्रथम अपने परिवार से जुड़े व्यक्तियों जिसमें उसका भावनात्मक लगाव होता है उनको पुकारना प्रारंभ करता है, जैसे मामा, दादा, मम्मी, बुआ, पापा, जैसे बड़ों का दादा, पालतू जानवरों को किट्टी, खिलौनों को टॉम, खाने को दूध इत्यादि। यानी वो उन्हीं चीज़ों को बोलेगा, जैसे कोई भी बड़ा दिखाई देगा तो उन सब बड़ों को कहेगा दादा, जानवरों के नाम के लिए किट्टी, खिलौने को टॉम, खाने को दूध, इस तरह के शब्दों को प्रयोग में लेता है। फिर आता है शब्द युग्म का उच्चारण। 18 से 24 माह की आयु तक शिशु प्राय शब्दों युग्मों को बोलना प्रारंभ कर देता है। ये शब्द युग्म वे अपनी कुशलता, शारीरिक तथा शरीर के विभिन्न मुद्राओं के साथ बोलते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे स्थान पहचानना, दोहराना, किसी वस्तु के प्रति विशेष लगाव, जैसे वहाँ, यहाँ, किताब। स्थान पहचानना मतलब वहाँ पर मेरी किताब है, वहाँ, इशारा करना, वो दे दो, दोहराना, दूध, दूध, किसी वस्तु के प्रति विशेष लगाव, खिलौना, वस्तु की पहचान, कार, क्रिया प्रतिक्रिया, तुम्हें मारूंगा, क्रिया वस्तु, चाकू, काटो, प्रश्न बाल का। इसमें हम देखते हैं कि शब्द जो है वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलता, जैसे स्थान पहचानने के लिए कहेगा वहाँ पुस्तक है नहीं बोलेगा, दोहराने के लिए जैसे दूध और दो नहीं बोलेगा, दूध और, जैसे मेरा खिलौना, कार बड़ी, मतलब ये आधे आधे शब्द बोलेगा, दो शब्दों के उच्चारण से अपने सेंटेंस को पूरा करने की कोशिश करेगा। शिशुओं की शब्दावली का अध्ययन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों स्मित और शिशुओं द्वारा हुआ है और इस प्रकार के निष्कर्ष प्राप्त हुए। 8 माह का बच्चा 0 शब्द बोलना सीखता है, 10 माह का बच्चा 1 शब्द, संख्या 1 वर्ष में 3 शब्द आ जाता है, 3 शब्दों का प्रयोग कर सकता है एक बार में, 1 से 3 वर्ष का 19 शब्दों को एक साथ बोल सकता है, 1 से 6 वर्ष का 22 और 1 से 9 वर्ष का 118 और 2 वर्ष का 272 शब्द संख्या। उपयुक्त तालिका से शैशवावस्था में शब्दों की संख्या मालूम होती है जो शिशु प्राय उच्चारित करता है।